नमस्कार पशुपालक साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनिमल आवाज़ में। मैं कुलदीप पंघाल, आज आपको मैं एक मेरे साथ हैं डॉक्टर राजवीर धुवन, उनसे गलघोंटू के बारे में हम जानेंगे कि गलघोंटू कैसे होता है और इससे पशु को क्या तकलीफ़ होती है और इसके लक्षण क्या होते हैं और इसका उपचार कैसे किया जा सकता है। आइए मिलते हैं डॉक्टर राजवीर धुवन से। किसान भाइयों नमस्कार, मैं डॉक्टर राजवीर धुवन, आज फिर मैं आपके साथ नई जानकारी के साथ आपके सामने आया हूं और आज मैं एनिमल ऐप की टीम के साथ हूं। मैं आपको आज गलघोंटू की बीमारी के बारे में बताना चाहता हूं। गलघोंटू एक मतलब बीमारी नाम कह करके अगर अपन उसको महामारी कहना तो भी कम है, बड़ी खतरनाक बीमारी है ये। जब ये आती है तो गांव में एक एक नाइट में एक एक दिन के अंदर मतलब 50-50 100-100 भैंसे एक साथ में ख़त्म हो जाती है। ये समझो कि किसान की मतलब बहुत बड़ी, पशुपालक की बहुत बड़ी दुश्मन है ये। घर में अगर 10 पशु हैं तो अगर 10 पशु भी एक रात में ख़त्म हो जाए तो मतलब कोई मतलब उसका ताबू वाली बात नहीं है। इसका बचाव के लिए हमें पूरा ध्यान देना चाहिए। और इसका बचाव क्या है, इसकी वैक्सीन की जाती है और ये ज़्यादातर बारिश के टाइम में जुलाई अगस्त सितंबर के महीने में आती है। इससे बचने के लिए पशुपालकों के भाई मार्च अप्रैल के अंदर वैक्सीन करवा लेनी चाहिए। अब वहाँ भी एक दिक्कत आती है, सरकार भी में भेजती है वैक्सीन करने के लिए वैक्सीनेटर को, लेकिन पशुपालक उसकी पूरा ज्ञान ना होने के कारण वो कहते हैं कि नहीं नहीं जी, हम नहीं लगवाते, हमारे भैंस का दूध सूख जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमारे नुकसान हो जाएगा। अरे दूध तो एक दो दिन के अंदर वापस रिकवरी हो जाएगी, अगर बीमारी आई तो फिर कुछ भी नहीं बचने वाला। इसलिए इस महामारी से बचने के लिए पशुपालक को पूरा ध्यान देना चाहिए और वैक्सीनेशन करवानी चाहिए। अगर वैक्सीनेटर आपके घर पे नहीं आता है या तो भी आप मतलब हॉस्पिटल में जाकर के उससे संपर्क करो और तो हमारे पशुओं को ये गलघोंटू के टीके लगाओ जी, तो ये आपके लिए बहुत लाभदायक है। और किसान का और पशुपालक का एक चोली दामन का साथ है। अगर एक किसान के पास में साल में एक भैंस बिक जाती है ना, तो किसान फिर कहीं भी मतलब मार नहीं खाता, वो मतलब काबू नहीं आता उसका, मतलब बहुत कुछ सारा सिस्टम उसका सेट हो जाता है। और किसी कारणवश किसान पशुपालक की एक भैंस मर जाती है ना, तो वो काफ़ी पीछे चला जाता है वो परिवार, उसको परिवार को चलाना मतलब बहुत भारी दिक्कत आती है। क्योंकि किसान के पास तो बस खेती का और पशुपालन का ही यही इनकम ऑफ सोर्सेज है, अब वो उसमें ही नुकसान हो जाएगा तो किसान के पास क्या बचेगा। तो एक तो ये वैक्सीन का ध्यान रखें, एक इसका मैं आपको लक्षण बताता हूँ भाई। ये बारिश के टाइम में आती है तो इसमें पशु को तेज़ बुखार आता है, मुंह से झाग गिरते हैं, लाले गिरती हैं और गले से घर घर की आवाज़ आती है और पशु की गर्दन सूज जाती है, यहाँ मुंह के नीचे भी यहाँ इतनी ज़बरदस्त सूजन आ जाती है कि मतलब कई बार तो भैंस की सूरत भी आपको देखोगे तो डर लगेगा, इतनी मतलब जैसे हाथी का सिर होना, इतनी बड़ी बड़ी मतलब सूजन आकर के ऐसी हो जाती है। तो ये इसे बचा जाए इसलिए वैक्सीन का पूरा ध्यान रखें। और वैक्सीन के लिए मैं आपको बार बार बताता हूँ, कोई भी वैक्सीन अगर आप पशु को करवाते हो तो उसके ऊपर बर्फ़ का सेक करो, दिन में 2-3 बार 3-4 दिन कर दो, आपके पशु के दूध के ऊपर कोई असर नहीं आएगा उसका। जो आप लोगों के दिमाग में डर है, भय है कि भाई हमारा दूध कम हो जाएगा, तो वो बिल्कुल नहीं होएगा। और ज़्यादा कई पशु ज़्यादा सेंसिटिव हो तो बर्फ़ की सेक तो कर ही रहे हो, उसके साथ में मतलब दर्द वाली मतलब बुखार वाली गोली दे दो उसको, क्योंकि बुखार कोई बीमारी नहीं होती है, तो शरीर में हमारे कहीं भी चोट लग जाती है, हमारे खुद को लग जाती है तो हमारे भी उससे मतलब बुखार हो जाती है। ऐसे ही वो एक जहाँ मतलब से वैक्सीन लगती है वहाँ सूजन आती है, दर्द होता है पशु को, तो उससे पशु का दूध की मात्रा घट जाती है। आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए आपको मैंने जो बताया, एक तो बर्फ़ का आजकल ऐसा समय आ गया कि हर घर में फ्रिज की साधन है, पुराने टाइम में तो लोगों के पास थे ही नहीं, बर्फ़ कब होती नहीं थी,
अब तो हर घर के अंदर मतलब लगभग 99% के पास फ्रिज है, उसका लाभ उठाओ, उसका फ़ायदा उठाओ और इस बीमारी से बचाओ। अगर ये बीमारी आ गई ना, आपने ध्यान नहीं दिया, तो 24 घंटे के अंदर आपने नहीं संभाला, अच्छा डॉक्टर टाइम पे नहीं पहुंचा, तो आपका पशु नहीं बचेगा भाई। स्टार्टिंग में कोई भी बीमारी स्टार्ट होती है तो उस टाइम थोड़ा सा अपने को पता नहीं लगता, दिन में कोई दिक्कत आई, आपने ध्यान नहीं दिया, रात के टाइम में वो ज़्यादा हुई, सुबह उठोगे तो आपको मतलब भैंस गिरी हुई मिलेगी। और ये छूत की बीमारी है, हवा के साथ फैलती है, भले आप ना पानी अलग पिला लो, कुछ भी कर लो, उससे कुछ नहीं है। पूरी में एक ही नाइट के अंदर मैंने मेरी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, देखा है एक नाइट में मतलब 100-150 भैंसें ख़त्म हो जाती हैं। आप लोगों के साथ ऐसी दुर्घटना ना हो, आपके साथ आपको मतलब आर्थिक हानि ना हो, पशु दोनों काम होते हैं, पशु की जान जाती है, हमारे को आर्थिक हानि होती है, ऐसा ना हो, तो इसलिए टाइम पे वैक्सीन करवाओ। बाय द वे, आपने किसी कारणवश वैक्सीन नहीं करवा पाए या भाई वो मतलब ज्ञापन पीरियड में थी, तो मतलब 6-7 महीने की ज्ञापन थी, उस टाइम मतलब वैक्सीन नहीं कर सकते अपन, 3-4 महीने तक की ज्ञापन होती है तो अपन वैक्सीन कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा पशु था हमारा और हम उसके वैक्सीन नहीं करवा पाए और उसके अंदर ये बीमारी आ गई, तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए अच्छे डॉक्टर को बुलाओ आप, उसके अंदर मतलब इंजेक्शन जेंटामाइसिन और वेटालजिन और एविल और बी कॉम्प्लेक्स इंजेक्शन लगाओ आप। जेंटामाइसिन कम से कम भी 20 ml IV लगवा दो आप उसको, तुरंत आपको उसका मतलब उसको बेनिफिट मिलेगा। 12 घंटे बाद में उसको फिर रिपीट करा दो, 3 दिन आपको मतलब कंटिन्यू उसको लगाना पड़ेगा, आपका आपका पशु बच जाएगा। और मैंने तो अपनी ज़िंदगी में काफ़ी पशु बचाए हैं। हाँ, जेंटामाइसिन कोई अच्छी मतलब फार्मा का लगाओ ताकि आपको रिजल्ट मिले, क्योंकि हमारे आज बहुत सारी फार्मा आ गई हैं, उनके ऊपर लिखा कुछ अंदर तो रहता है, अंदर साल्ट होता नहीं है, इसलिए पैसे पशुपालक के लग जाते हैं और मतलब उसको बेनिफिट मिलता नहीं है, ये हमारे एक दुर्भाग्य की बात है। कोई अच्छी एथिकल फार्मेसी का इंजेक्शन लेकर के उसको लगाओ, जेंटामाइसिन इसका बहुत बहुत बढ़िया इलाज है। आपको जो डॉक्टर राजवीर सिंह धोहन ने जानकारी प्रोवाइड करी, आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी, और आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट करके हमें अवश्य बताएं। और कोई विशेष बीमारी के बारे में आप हमसे जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में उस बीमारी का नाम लिख के और कौन सी जानकारी आप हमसे प्राप्त करना चाहते हैं वे हमें अवश्य बताएं, लिख कर भेजें। और तब तक के लिए सभी पशुपालक भाइयों को राम राम। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि और भी किसान भाई इसका फायदा उठा सकें। किसान भाइयों और बहनों, पशुपालन क्षेत्र में अपनी उन्नति को मजबूत बनाएं, एनिमल आवाज के साथ जुड़ जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।